दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स को हम कैसे पहचाने कि ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कौन सी जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करती है। ये मोस्टली वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं या वो करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, तो हम देख लेते हैं कुछ उसके नाम के सफिक्स से हम पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा सफिक्स लगा होगा तो वो उस कैटेगरी की मेडिसिन होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड। जी हाँ दोस्तों, अमीनो ग्लाइकोसाइड अगर कैटेगरी होगी तो उसमें आपको मायसिन जो है वो लगा होगा। क्या लगा होगा? मायसिन बर्ड। अगर अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी होगी तो मायसिन लगा होगा। अगर सिफेलोस्पोरिन है तो सेफ या सेफ, CEF या CEPH लगा होगा। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रासाइक्लिन। अगर टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी का ड्रग है तो उसमें आपको साइक्लिन बर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। अगर पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है तो उसमें सिलीन लास्ट में लगा होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपको सफिक्स लगे मिल जाएंगे। अगर कोई सल्फोनामाइड कैटेगरी की है तो उसमें सल्फा वर्ड लगा हुआ होगा। अगर कोई फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी का होगा तो उसमें फ्लोक्सासिन लगा होगा। अगर कोई मैक्रोलाइड होगा तो उसमें थ्रोमाइसिन लगा होगा। और अगर कार्बापेनम कैटेगरी से कोई मेडिसिन बिलोंग कर रही होगी तो उसमें पेनम आपको लगा होगा सफिक्स। अगर लिंकोसामाइड होगा तो उसमें माइसिन या इन लगा होगा लास्ट में। और अगर ग्लाइकोपेप्टाइड होगा तो उसमें भी माइसिन या इन लगा होगा। तो चलिए हम एक एक करके इन सबको एग्जांपल वाइज देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड की। हम पहले ही बता चुके हैं एंड में आपको माइसिन या इस टाइप का माइसिन लगा, MYCIN होगा या MICIN होगा। तो देखते हैं हम अमीनो ग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसका एग्जांपल है। और नेक्स्ट है जेंटामाइसिन। अगर माइसिन वर्ड लास्ट में लगा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सिफेलोस्पोरिन। जी हाँ दोस्तों, सिफेलोस्पोरिन जो होगा उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में CEF या CEPH लगा होगा, जैसे सेफ्ट्रक्जन या सीफेपाइन। सेफ्ट्रक्जन जिसका ब्रांड नेम मोनोसेफ, मैगजोन, एक्जोन के नाम से आता है, वो उसमें सेफ्ट्रक्जन होता है, तो उससे हम जान सकते हैं कि मोनोसेफ जो है वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है। जी दोस्तों, ये है नेक्स्ट कैटेगरी, वो है टेट्रासाइक्लिन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं टेट्रासाइक्लिन में की कैटेगरी में आपको साइक्लिन वर्ड लगा हुआ होगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, और इधर है टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन कैटेगरी में क्या होगा, सिलीन वर्ड लास्ट में लगा होगा। इसमें क्या होता है, एम्पीसिलिन इसका एक एग्जांपल है, एक एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन हम जानते हैं कि हमें अल्मोक्स के नाम से मिलता है जो कि अल्केम का ब्रांड है, नोवामॉक्स के नाम से मिलता है जो कि सिप्ला का ब्रांड है। ये पेनिसिलिन की कैटेगरी की मेडिसिन होती है। अगली जो कैटेगरी है वो है सल्फोनामाइड। जी हाँ दोस्तों, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक होती है, इसमें आपको सल्फा मिल जाएगा, जैसे सल्फा सेलाजिन या सल्फा मेथॉक्साजोल। ये सल्फा लगा हुआ है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की मेडिसिन है। नेक्स्ट है वो है फ्लोरोक्विनोलोन। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरोक्विनोलोन बहुत ही वाइडली इंडिया में यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसकी जो पहचान है वो है फ्लोक्सासिन। इसमें क्या होगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सासिन। अगर ये हैं तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये फ्लोरोक्विनोलोन का डेरिवेटिव है या फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है।
इसमें जो नेक्स्ट है वो है मैक्रोलाइड्स। जी हाँ दोस्तों, मैक्रोलाइड्स जो है उसमें आपको लास्ट में जो है वो थ्रोमाइसिन वर्ड मिल जाएगा, जैसे एजिथ्रोमाइसिन और एराइथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक है, इसमें अगर थ्रोमाइसिन लास्ट में लगा है तो मैक्रोलाइड कैटेगरी की है। उसका एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन और सेकेंड एग्जांपल है एराइथ्रोमाइसिन। इसका नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कार्बापेनम। इसमें हम बता चुके हैं कि आपको पेनम वर्ड लास्ट में मिलेगा जो कि बहुत ही हाई एंटीबायोटिक होती है, जैसे मेरोपेनम और इरुटापेनम या फेरोपेनम, ये इसके एग्जांपल हैं कार्बापेनम के। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है लिंकोसामाइड। जी हाँ लोग दोस्तों, लिंकोसामाइड में आपको माइसिन वर्ड एंड में लगा मिलेगा, यानी कि सफिक्स जो है वो माइसिन लगा होगा। तो माइसिन में हमारा हो गया क्लिंडामाइसिन एग्जांपल हो गया और लिंकोमाइसिन हो गया। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स में आपको एंड में आयन इन या माइसिन लगा मिलेगा, जैसे बेनकोमाइसिन। जो बेनकोमाइसिन है वो ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक ड्रग है। दोस्तों ये तो था कुछ सफिक्स से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का मेडिसिन है, कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।